हम पहुंच चुके हैं चाचू और इनके पास यहाँ लग चुके हैं कार्स वगैरह। राहुल भैया क्या हाल है आपके? आज के हमारे शेफ ये क्या बना रहे भैया? चिकन बन रहा है भैया। चिकन बन रहा है। हम पहुंच चुके हैं अभी जीके जी, और फॉग और बारिश ने तो हमारा साथ भी। भाई आ चुके हैं हम हट में, हमारे साथ हमारे उदय भाई। उदय क्या हाल है आपके? बढ़िया। फिलहाल यहाँ का वेदर देखिए ऐसा हो चुका है, बारिश पे बारिश हो रही है। वो बोले हटा थोड़ी बुकें भाई, अभी बना ली है मैंने चाय। चाय का कलर देखो कितना सही रहा। तो भाई यहाँ आ चुका है केक, और आज है हमारे क्रिश भाई का बर्थडे। केक तो हमने बड़े दूर से लाया क्योंकि रास्ते में कहीं नहीं मिला हमें। तो क्रिश भाई हैप्पी बर्थडे यार, करोगे अपने? क्या करो कि अब हम पूरा जो ट्रिप है हमारा कम्प्लीट करके आए, तो मेरा मन था कि। तो यार अभी हम बस चल ही रहे थे, और देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश देखिए कितनी हो रही है, बारिश की स्पीड भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम नीचे स्पीड में बढ़ रहे हैं, बारिश की स्पीड वैसे बढ़ रही है। यार अब व्यू देखो आप, बारिश ऊपर, फॉग, माउंटेन्स, खाली रोड। यार ये लैंडस्लाइड ना आजकल ही हुआ है, क्योंकि जब हम पहले आए थे ना तब ये नहीं था यहाँ पर, ये अभी हुआ है कहीं। यार आगे मौसम थोड़ा क्लियर हो चुका है, देखिए धूप आ चुकी है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो यार हम पहुंच चुके हैं इधर चाचू और इनके पास बड़ी देर बाद। हम आ रहे थे पीछे से आराम से, तो भाई हम पहुंच चुके हैं इनके पास, यहाँ लग चुके हैं कार्स वगैरह। राहुल भैया क्या हाल है आपके? आज के हमारे शेफ ये क्या बना रहे भैया? चिकन बन रहा है भैया। अच्छा चिकन बन रहा है? हाँ, अफगानी चिकन। अच्छा चिकन तो देखो कौन सा, चिकन का है दिखाओ यार साइड। अच्छा ये चिकन बन रहा है पैकिंग वाला? इन्हों को पता नहीं इसको नया चिकन बना दिया यार। कितने पैकेट है यार? 10 तो लग रहा नहीं है। 10 है। तो यार ये रहा एक छोटा सा वाटरफॉल, यहाँ पर इन सब ने नहा लिया। अभी यहाँ से हम चलने लगे हैं आगे। इनकी मैगी तो पता नहीं कब बनेगी। बैठ लो, चलो यार बोल लो ना। मैं क्या बोलूँ, बोलो ना। हाँ, मैं क्या बोलूँ, बोलो। आगे लगी है कार, चाचू वहाँ पर वो मैगी बना रहे हैं, बट हमारा मन नहीं मैगी खाने, उनको कौन बोले अब। भाई हम वहाँ से निकल चुके हैं चाचू के पास से, हमें लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख, उनकी मैगी तो बननी थी अभी, इसलिए हम चले आगे। आगे अब कहीं शॉप वगैरह कुछ देखें, कुछ खाएं यार, हम सब की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर वहाँ से हम निकल कर ना चाचूरों के पास से निकल कर हम पहुँच चुके हैं बफलिया, सॉरी चंडीगढ़। अभी हम यहाँ पर कुछ खाएं, भूख लगी है क्या भैया? भूख लगी है यहाँ कुछ खाएं यार, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, थक गए हैं। उसके बाद सीधा रजौरी रुकना ही नहीं। अभी हमने बफलिया क्रॉस कर दिया है, और हम पहुंचे हैं डीके जी वाली रोड पर, और बारिश इतनी हो रही है देखो। तो ये भाई फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे बेचारा कोई यहाँ से रजौरी जा रहा होगा तो ट्रैवल कर रहा है तो। हाँ वैसे मतलब रोड की हालत देखो, आप बारिश बहुत हो रही है, एक तो रोड खराब है। हम पहुंच चुके हैं अभी डीके जी, और फॉग और बारिश ने तो हमारा साथ पीर की गली से नहीं छोड़ा। ये देखिए आगे कितनी फॉग हो चुकी है यार, ये डीके जी दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि फॉग कितनी ज्यादा है। मौसम हो चुका है, मौसम हो चुका है बहुत प्यारा है। बाकी चले गए ऊपर वाले हट पे, हम ऐसे आए थे नीचे घूमने कार, शुक्र बारिश की वजह से थोड़ी सी साफ दिख रही है अभी। और अभी हम आया नीचे, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लोकेशन काफ़ी प्यारी थी क्योंकि सर्दियों में हम आते थे ना यहाँ पर,
अभी देखो यार कितनी प्यारी लोकेशन है ये देखो यार, इधर प्यारी जगह। मैं वो तुम पता कहां तक गया था पिकनिक? हाँ। वो सामने देख रहे हो? हां वो पीक वो। हां कब पिकनिक गई थी हमारी? अच्छा यार बारिश हो रही है अभी छोटी छोटी, लेकिन मजा आ रहा है यार। अपने एरिया में आके अलग ही खुशी होती है। अपना एरिया सबसे बेस्ट है, जहाँ घूमो रजौरी की याद ही आती है बस। जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाके यही बोलते हैं अपना रजौरी से ठीक है। सही बात है, नहीं क्योंकि हमें यहाँ हर एक फैसिलिटी मिलती है, बस कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती, बाकी सब कुछ है ना रजौरी। बस एक यहाँ पर थिएटर खुल जाए और एक मॉल खुल जाए, दो तीन ऐसी चीज़ें रजौरी में सब कुछ है ना। तो ये थिएटर मॉल नहीं है, थिएटर के नाम पर वार्ड नंबर 10 में एक वो है कुछ। रेडी हो गया तुम? चलो अभी हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं फिर देखते हैं। पहुँच चुके हैं हम डीके जी, बारिश हो रही है बहुत तेज़, देखो यहाँ लगा दिए कार, बाकी दो कार सभी आई नहीं है, चाचू की और कमल भैया की जो पीछे हैं वो भी सामान ले रहे थे। वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं डीके जी, देखिए ऐसा कुछ व्यू है अभी का, ऊपर हट वगैरह है, फॉग देखिए कैसे हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी अपने भाई ने विंडशीटर निकाल दिया जिस वजह से थोड़ी एक तो बारिश कम पड़ेगी और ठंड भी लगेगी क्योंकि मौसम यहाँ बहुत ठंडा हो चुका है। बाकी सब अंदर है, उनके पास चलते हैं अभी फिलहाल। मम्मा को कॉल करा था, मम्मा की कॉल नहीं लग रही, यहाँ नेटवर्क कम आता ना। व्यू प्यारा हो चुका है देखो नीचे। तो भाई आ चुके हैं हम हट में, हमारे साथ हमारे उदय भाई। उदय क्या हाल है आपके भाई? बढ़िया बढ़िया हो भाई? ये देखो ये है ऐसे कुछ हट, वहाँ पर एक ये किचन वगैरह वहाँ पर अर्जुन मेरे विकास किए हुए। अभी फिलहाल यहाँ का वेदर देखिए ऐसा हो चुका है, बारिश पे बारिश हो रही है। वो बोले हट आज थोड़ी बुक कुछ फैमिली आई हुई है, लेकिन हमारे पास ये वाला हट है। हमारे पास कौन सा हट है? हमारे पास एक ओक हट है और एक ये साथ वाला, दो हट है, ये दो हट है। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारे बैठे हैं। संजू भाई क्या ठंड लग चुकी है? बीमार तो नहीं हो? कोई नहीं यार, अभी चाय बनाते हैं। दसो जी दूध का इंतजाम करो। चाय बनानी है यार, यार। तो भाई चाय शाय बनाते हैं, पीते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं घर की तरफ निकलेंगे। भाई यार चाचू और भी आ चुके हैं यहाँ, आग हमने जला दी थी। ऑल गुड। तो अभी बस हम चले हैं चाय बनाने, ये थोड़ा दूध लाया था इन्होंने, तो अभी चलते हैं चाय बनाते हैं, हम सबको पिलाते हैं। आपके भाई के हाथ की चाय बहुत सही। हाँ जी दत्त साहब, और हम छा गए हैं पहले ही। व्यू देखो, बारिश अभी रुकी थी लेकिन फिर आ गई है। मैं आ चुका था काट्स की किचन में, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ चाय, अभी इसमें डाल देंगे दूध। भाई अभी बना ली है मैंने चाय, चाय का कलर देखो कितना सही बना, इन वादियों में ये चाय मिल जाए तो क्या चाहिए होगा। मेरे को तो आपको पता चाय पसंद ही कितनी है। अब हाई बनी चार कप है, एक कप तो आ गया मेरा जो सबसे ज़्यादा, मैं चाय पीता जाता हूँ, बाकी उसमें से एक चाचू को दे देंगे, बाकी देख लेंगे दो जिसने पीने पी लेंगे। चाय के पीछे भी लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ देखिए हमारा चूल्हा पूरा पक चुका है, तेल वगैरह है, वहाँ थोड़ा चिकन है जो बनेगा अभी। क्या मिल गया जी? जी हाउस द जोश? हाई सर। मजा आ रहा है? नहीं बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। वैसे यार ये हमारा जो ट्रिप था छोटा सा अनप्लान था, मजाक मजाक में है ना, ऐसे ही बना, लेकिन चलो अच्छा रहा यार, आउटिंग होगी दो तीन दिन की आउटिंग होगी। बिल्कुल राहुल भैया अच्छे से मसाला शाला डाल के मैरिनेट कर दो, मजा आ जाना चाहिए आज। यहाँ आ चुका है केक, और आज है हमारे कृष भाई का बर्थडे। पहले तो सुबह मॉर्निंग श्रीनगर में हुई, और अब यहाँ डीके जी पर आकर फाइनली केक कट होगा। केक तो हमने बड़े दूर से लाया क्योंकि रास्ते में कहीं नहीं मिला हमें। तो कृष भाई हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। करो घर से पूरे परिवार की और जितने भी साथियों आए हैं सबकी तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चलो करो कट। तो यार फिलहाल हम सब डिनर वगैरह करके यहाँ से निकलने लगे हैं, और वहाँ देखिए सुरनकोट सिटी, जब भी मैं यहाँ आता हूँ रात के टाइम आपको सुरनकोट सिटी दिखाता ही दिखाता हूँ। तो यार डिनर वगैरह हो चुके हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर, और अब हम आपको सीधा घर पे ही मिलेंगे। आगे चाचू लीड करेंगे, बस उनके पीछे पीछे हम सारे चलेंगे, अब जिस स्पीड में हो रहेंगे बस उसी के साथ। ठीक है, सीट बेल्ट बांध लो अपनी, वैसे आपको पता है फिर ड्राइविंग थोड़ी ड्राइविंग रिस्की आफ्टर विस्की। ओके ब्रो, बस निकलते हैं साथ साथ। तो यार हम पहुंच चुके हैं रजौरी, और अभी यहाँ से चाचू ले रहे हैं आइसक्रीम वगैरह, इस टाइम ये दे रहे हैं सबको। और अभी टाइम क्या हो चुका है जी? टाइम देखिए 12:53। अभी यहाँ पर रुके थे, आइसक्रीम वगैरह ले लिया, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं।
कुछ मीठा खा के जाए। लो जी, मैं कह रहा हूँ कि अब हम पूरा जो ट्रिप है हमारा कंप्लीट करके आए, तो मेरा मन था कि जब भी कोई घर जाता है वापस तो कुछ मीठा खा के जाए। जी जी, विकास के लिए, पर कुछ मीठा चलो ये पहुँच गया बस।